क्या स्पिरिट्स हैं क्या आपने कभी कोई आत्मा को या कोई स्पिरिट को देखा है आप एक कांच का गिलास लीजिए ठीक है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उस पे कोई डिजाइन नहीं होना चाहिए ताकि आप बेसिकली सी थ्रू ग्लास होना चाहिए कांच का गिलास लीजिए और उसमें एक फ्रेश नींबू डालिए एज इट इज और नमक डालने के बाद आप उसे घुमाइए और आप उसको अपने बेड साइड पे रखिए just सोने से पहले अगर वो सिंक हो जाता है तो बहुत एक्सेसिव पोजेशन है घर में। बहुत सारे घर हैं जहाँ ब्लेसिंग्स हैं सोल्स की वजह से स्पिरिट्स की वजह से जो उनके एनसस्टर्स हैं मे बी जी और बहुत सारे uh, लोग है, हैं लोगों के घर हैं जहाँ उन्हें परेशानी है ऑफिसिज़ हैं जहाँ उन्हें परेशानी क्योंकि उनके लैंड में इश्यूज हैं वहाँ पे स्पिरिट्स हैं वहाँ पे uh, ऐसी आत्माएँ हैं जो उनको परेशानी दे रही हैं क्योंकि वो खुद परेशान हैं क्या मेरा नाम और मेरी डेट ऑफ बर्थ मेरे वर्क को या मेरे आगे फ्यूचर्स के जो प्लान हैं या आज की जो प्रोग्रेस है उसको इफेक्ट करती है हंड्रेड एंड टेन परसेंट हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें ये बताती है कि हम लाइफ में क्या करने की कैपेसिटी रखते हैं क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए क्या चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में सक्सेसफुल बना सकती हैं अगर हमारा नेम नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ से सिंक करता है वी कैन बिकम रियली बिग इन लाइफ बात करते कई कुछ ऐसे नंबर सक्सेसफुल नंबर या अनसक्सेसफुल नंबर भी होते हैं लाइक कई नंबर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और कई नंबर को जैसे भी है बॉर्न विदन स्पून और सिल्वर स्पून लेकिन आप बहुत सारे लोग आठ और चार से डरते हैं कि आठ नंबर नहीं होना चाहिए चार नंबर नहीं होना चाहिए बट मैं कहना चाहूंगी एक आम आदमी को कि आप नजर घुमा के देखिए अगर आपको कुछ लोग स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे इस नंबर की तो कई लोग सुपर सक्सेसफुल भी, दिखेंगे।, भी दिखेंगे।, दिखेंगे ये लोग हमेशा अपने आसपास इन्हीं नंबर्स को देखेंगे इनकी गाड़ियाँ इनके फ्रेंड सर्कल इनकी फ्लाइट की टिकट इनकी मूवी सीट सब कुछ चार और आठ के आसपास पास घुसनी होगी बिकॉज दैट नंबर इज देयर लाइफ क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या है आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या आपको भी नंबर्स या अपनी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कुछ नंबर से एक एक्साइटमेंट होती है कि जाने के क्या ये हमारी लाइफ को इफेक्ट कर रही है इन सारी बातों से रिलेटेड आज हम आए आपसे एक मुलाकात करवाने के लिए मैम से जिनका नाम है संस्कृति सेठी हाय संस्कृति हाउ हाउ आर आर यू यू हाय आई 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 एम एम गुड गुड मीन इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं आ, आ, पास्ट के बारे में प्रेजेंट के बारे में या फ्यूचर के बारे में तो आपको कैसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमारे जो हमारा पास्ट कर्मा है क्या वो हमारे प्रेजेंट को कहीं ना कहीं एसोसिएट करता है या कुछ उसमें हमारे को कोई दिक्कत आती है या उसकी वजह से हमारा फ्यूचर ख़राब हो सकता है डेफिनेटली नवनीत हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को डेफिनेटली इफेक्ट करता है अगर हम अपने पास्ट की इस लाइफ में ही बात करें जी. ठीक है हमारी जो एजुकेशन है उसके बेसिस पे ही जो हम हैं आज वो हैं जो हमारी अर्निंग है उसके बेसिस पे ही हम जो कमाएंगे लाइफ में वो ही हमारा क्रिएशन है तो जब हमारा पास्ट इस लाइफ का पास्ट हमारा प्रेजेंट क्रिएट करता है और हमारा प्रेजेंट स्पॉइल करता है उसी तरीके से जो हमारा पास्ट लाइफ होता है वो हमारे पास्ट लाइफ को इफेक्ट करता है और अगर हमारा पास्ट हमारा प्रेजेंट लाइफ को इफेक्ट करता है और अगर हमारा प्रेजेंट लाइफ इफेक्टेड है तो हमारी फ्यूचर लाइफ डेफिनेटली इफेक्ट होती है सो येस पास्ट लाइफ एग्जिस्ट एग्जिस्ट करती है अपन बात करते हैं कुछ नंबर से रिलेटेड

ओके okay. हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें ये बताती है कि हम लाइफ में क्या करने की कैपेसिटी रखते हैं क्या चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए क्या चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में सक्सेसफुल बना सकती हैं अगर हमारा नेम नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ से सिंक करता है वी कैन बिकम रियली बिग इन लाइफ वाई नेम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के वक्त नाम कितनी जगह यूज आता है आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट अगर हम अपनी दादी नानी के टाइम में जाएं तो नाम की इतनी रेलिवेंस शायद नहीं थी जी, क्यों जी। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कम थे चीजें कम थी होते हैं बहुत सारी चीजें इवेंचुअली नेम हैज अ वैल्यू अगर मैं आपको ब्लैंक चेक साइन करके दू अपनी कंपनी का इज इट हैज हैजूज वैल्यू सो माई नेम माई सिग्नेचर इज अज वैल्यू इन दिस टाइम बिल्कुल मैं देखती हूँ जितने भी अपने बॉलीवुड स्टार्स हैं या जो भी हैं कहीं ना कहीं जैसे आयुष्मान खुराना जी ने अपने नाम के आगे एक आर लगाया है राजकुमार जी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्ड्स में फिलर ऐड करा है Definitely. तो क्या ये इस सब चीजों से फर्क पड़ता है क्या नाम में कोई एक सिंगल आर या सिंगल एस या ए या कोई अल्फाबेट ऐड ऑन करने से लगता है आपको कुछ फर्क पड़ता है क्योंकि ये मुझे लगता है बॉलीवुड में तो काफी ज्यादा ट्रेंड हो चुका है डेफिनेटली नेम चेंज आजकल इसलिए ट्रेंडी है व्हाई बिकॉज़ अब अवेयरनेस है जी। पहले अवेयरनेस नहीं थी लोग सोचते थे यही हमारा नसीब है इसी के साथ हमें रहना है बट इवेंचुअली इतना एडवांस हो गया है नंबर्स एंड द स्टडीज कि अगर आप उसको देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे सोल्यूशन हैं सो एडिंग अ आर और एडिंग अ ए और एडिंग एनी अल्फोबेट ये आपको हेल्प करता है आपकी कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने में सो so, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वॉबल ऐड कर रहे हैं या कॉन्सनेट क्या हम ए ई आई ओ यू ऐड कर रहे हैं या या फिर हम अदर एल्फोबेट एड कर रहे हैं so, सो एक परफेक्ट नेम न्यूमरोलॉजी रीडिंग और अ डेट ऑफ बर्थ रीडिंग आपको ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि आपका नेम का नंबर क्या होना चाहिए इट्स नॉट अबाउट वन टू थ्री फोर इट्स अबाउट कि कौन सा नंबर है टोटल एक में तो एक भी है दस भी है उन्नीस भी है अट्ठाईस भी है बट सबसे वीक नंबर अट्ठाइस है बट okay. लोग बोलेंगे ये एक नंबर है एक so, नंबर सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे नंबर्स का टोटल क्या है कौन कौन से नंबर्स उसके अंदर हैं, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि नाम क्या होना चाहिए जिस दिन हम पैदा हुए हैं एंड डेस्टिनी नंबर है हमारा डेट ऑफ बर्थ मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ का टोटल जी तो वो हमारा डेस्टिनी होता है, है। so, और name number together, आपको एक successful होने में help करते हैं, help करता है। तो बात करते हैं जैसे आपने बोला डेट ऑफ बर्थ की तो मैं आपको जैसे मेरा डेट ऑफ नंबर डेट ऑफ बर्थ देती हूँ तो उससे क्या आप कुछ कैलकुलेट निकाल सकते हो या उसको मेरा एनालिसिस भी निकाल सकते हैं like एक जैसे हम एक रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए बच्चे पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आप किस फॉर्मेट से काम करते हैं और अगर मैं आपको मेरा नंबर दूँ तो क्या आप उसके मेरे बारे में कुछ जान पाएंगे डेफिनेटली हमारा एक फॉर्मेट है जिसको हम यूज़ करते हैं और हम उसे वे टाइम रिवाइज करते हैं एज वी ऑल लर्न एवरी सिंगल डे हम जी. रोज सीख रहे हैं रोज ऐड कर रहे हैं वैल्यू तो डेफिनेटली एक डेट ऑफ बर्थ से हम बहुत कुछ बता सकते हैं कि इंसान के बारे में कि उनका उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उनकी फ़ैमिली लाइफ कैसी रहेगी उनकी सेविंग्स होंगी या नहीं होंगी पैसा कहाँ बनेगा कौन सी चीज़ें जहाँ प्रिकॉशन रखना चाहिए कौन से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं सो so, बहुत सारे लोग सिर्फ कुंडली में बिलीव करते हैं सो आई वॉन्ट टू क पीपल अवेयर कि आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम में इतना शक्ति है इतनी वैल्यू है कि आप ये सब कुछ जान सकते हैं जो मैंने अभी आपसे कहा बात करते कहीं कुछ ऐसे नंबर सक्सेसफुल नंबर या अनसक्सेसफुल नंबर भी होते हैं

बहुत सारे लोग आठ और चार से डरते हैं कि आठ नंबर नहीं होना चाहिए चार नंबर नहीं होना चाहिए बट मैं कहना चाहूंगी आम आदमी को कि आप नजर घुमा के देखिए अगर आपको कुछ लोग स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे इस नंबर तो कई लोग सुपर सक्सेसफुल भी, भी दिखेंगे क्योंकि उन लोगों ने अपना जो वो सुपर सक्सेसफुल ग्रेड क्रिएट किया है ना उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है और वो सिर्फ उसी को पता है जो उस सक्सेसफुल स्टेज पे है सो आई थिंक दीज टू नंबर्स हैव टू स्ट्रगल मोर देन एनी अदर पर्सन तो दैट अगर आप परेशान हैं अपनी लाइफ में और अगर आप चाहते हैं कि कुछ चेंजेस हो जाए या कुछ चेंजेस के साथ आपकी तरक्की हो तो अपना न्यूमोरोलॉजी या अपना इस तरीके का अटेम्प जरूर करोडिक्शन या नंबर प्रिडिक्शन जरूर करा लेना डेफिनेटी हमारे साथ न्यूमोरॉजी रीडिंग और नेम रीडिंग अगर आप लेते हैं विद्योअट ऑफ बर्थ

करेक्ट uh, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जैसे अगर मैं uh, चार और आठ की बात करते हैं जो बात हो रही थी ये लोग हमेशा अपने आसपास इन्हीं नंबर्स को देखेंगे इनकी इनके फ्रेंड सर्कल इनकी फ्लाइट की टिकट इनकी मूवी सीट सब कुछ चार और आठ के आसपास पास घूमनी होगी बिकॉज दैट नंबर इज देयर लाइफ वैसे ही हर नंबर के अपने कुछ नंबर होते हैं जिसके साथ साथ उनकी पूरी लाइफ घूमती है ठीक है संस्कृति जैसे आपने आपने बताया कि बात करते हैं जब हम कि कोई ना कोई गाइडिंग स्पिरिट्स होती है हमें कोई नंबर दिखता है मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है क्या स्पिरिट्स हैं सबसे पहले तो मैं क्लैरिटी दूंगी दो चीजों में स्पिरिट्स एंड स्पिरिट गाइड्स दो अलग चीजें लोगों okay. को आई थिंक इसके बारे में नॉलेज कम है स्पिरिट गाइड्स वो होते हैं जो हमारे एंजल्स हैं आर के एंजल्स हैं कोई भी भगवान है ये सारे हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं स्पिरिट्स होती है आत्माएं आत्माएं बिल्कुल ठीक है लोग आई थिंक कंफ्यूज होते हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर सो so, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें क्लैरिटी मिलेगी सो so, स्पिरिट्स होती हैं आत्माएं है, जो एस्ट्रल वर्ल्ड में भी हो सकती है कि हमें ब्लेस कर रही हैं और हो सकता है वो भटक भी रही हूँ hmm. तो स्पिरिट्स डेफिनेटली होती हैं बहुत सारे घर हैं जहाँ ब्लेसिंग्स हैं सोल्स की वजह से स्पिरिट्स की वजह से जो उनके एनसेस्टर्स हैं मे बी और बहुत सारे लोग uh, हैं लोगों के घर हैं जहाँ उन्हें परेशानी है ऑफिसिज हैं जहाँ उन्हें परेशानी है क्योंकि उनके लैंड में इशूज़ हैं वहाँ पर स्पिरिट्स हैं वहाँ पर uh, ऐसी आत्माएँ हैं जो उनको परेशानी दे रही हैं क्योंकि वो खुद परेशान हैं सो स्पिरिट्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं क्या आपने कभी कोई आत्मा को या कोई स्पिरिट को देखा है जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं ठीक है आकाशिक रिकॉर्ड्स होता है हमारा पास्ट लाइफ एनालिसिस जिसके अंदर हम कौन हैं कहाँ से हैं हमारा सोल का जेंडर क्या है सोल का कलर क्या है हमारे कितने स्पिरिट गाइड्स हैं हमारा फाइनेंशियल ब्लॉक क्या है हमारा हेल्थ ब्लॉक क्या है हमारे हमारा सोल प्लान जो हमने लिखा था पैदा होने से पहले हम उससे कितना अलाइंट है हमारी सोल की उम्र क्या है हमारे सोल के गिफ्ट्स क्या हैं ये सारी चीज़ें हमें आकाशिक रिकॉर्ड से पता लगती हैं और जब हम यहां से देखते हैं तो हमें पता लगता है वाइल एक्सेसिंग द आकाशिक रिकॉर्ड्स कि क्या इस इंसान को कोई एंटिटी पोजेशन है वहां से मैंने बहुत सारे केसेस करे हैं जहां पे एंटिटी पोजेशन मिला है जैसे ना लोग बोलेंगे हम ना बहुत थका हुआ फील करते हैं है मैम या पता नहीं मुझे कभी बार बहुत भूख लगती है या बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है आ, कभी कभी कब बहुत कुछ सोचती हूँ कभी कभी मेरा दिमाग नम हो जाता है इनफैक्ट हम डे टू डे में ना ये भी सोचते होंगे जब भाई साहब मरे थे ना उसके बाद से इस बच्चे को ये लत पड़ गई जी जब जी। उसकी डेथ हुई थी ना उसके बाद से घर में ये हो रहा है तो ऐसा क्यों कि उनकी डेथ के बाद हो रहा है तो बहुत चांसेस है कि या तो वो लिबरेट नहीं हुए ठीक hmm. है लिबरेट होता है कि वो मोक्ष नहीं मिला है उन्हें वो एस्ट्रल वर्ल्ड तक नहीं पहुंचे वो जो जर्नी होती है उसमें बीच में कहीं अटक गए तो उनके इफेक्ट्स जो हैं वो घर में दिखते हैं तो ऐसे मैंने बहुत सारे मल्टीपल केसेस करे और लोगों को रिलीफ भी मिला है जी अगर आप मेरे टेस्ट देखोगे लोगों ने एक मैं बात कर रही हूँ एक वो जी, बात कर रहे हैं जी, जी, बड़ा फर्क है तो जब वो बात करते हैं तो लोग ज्यादा अच्छे से सुनते हैं कि हाँ कि ये चीज़ों का मुझ पे इफेक्ट था अब जब मेरी हीलिंग हो गई है तो मुझे हल्का लग रहा है तो लोग हीलिंग्स के बात करते हैं है, मैम मुझे हल्का लग रहा है मैम मुझे नींद बेटर आ रही है अभी परसों ही एक मेरा केस था लुधियाना का जसलीन नाम है उनका तो शी शी कॉल्ड शी इज अ फ्रेंड एंड उन्होंने एकदम कॉल किया कि मैं मर जाऊंगी मेरे साथ ये हो जाएगा एंड उससे मैंने पाँच या छः मिनट बात करी एंड मैंने उसको एक बहुत छोटी सी रेमेडी दी थी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे पास इनफैक्ट मैं आपको फ़ोन में दिखा सकती हूँ मैंने कहा डिड यू स्लीप लास्ट नाइट क्योंकि वो काफ़ी हफ्तों से सो नहीं पा रही थी शी सैड कि बहुत दिनों बाद संस्कृति में कल सोई और शी व्हाट्सएप में तो आपने उनको क्या किया हील किया मैंने उनको एक छोटी सी इंस्टेंट रेमेडी दी ठीक है मैं इनफैक्ट आपके व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर सकती हूँ वो रेमेडी अगर आपको लगता है टू तो चेक कि क्या आपके घर में कोई पोजेशन है या किसी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी वर्क करें आप एक कांच का गिलास लीजिए जी। ठीक है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए उस पर कोई डिजाइन नहीं होना चाहिए ताकि आप बेसिकली सी थ्रू ग्लास होना चाहिए कांच का ग्लास लीजिए और उसमें एक फ्रेश नींबू डालिए एज इट इज ठीक है वो नींबू दागी नहीं होना चाहिए सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए बिल्कुल ऐसा फ्रेश कि आपका मन करे उसे खाने का वो नींबू आप उसमें डालिए उसमें आप तीन चम्मच नमक डालिए और नमक डालने के बाद आप उसे घुमाइए और आप उसको अपने बेड साइड पर रखिए जैसे सोने से पहले अगर वो सिंक हो जाता है तो बहुत एक्सेसिव पोजिशन है घर में और अगर वो सिंक नहीं होता और आपकी नींद बहुत अच्छी रही तो इसका मतलब आप हीलिंग के थ्रू धीरे 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 इस पोजिशन से बेटर हो सकते हैं अगर हम कोई ऑपरेशन भी कराते हैं वैसे थोड़ी है कि हमने आज ऑपरेशन कराया और अगले दिन हम ऑफिस में हाँ जी बताओ जी, जी। ऐसे नहीं, नहीं होता। ऑपरेशन के बाद भी वी नीड आर हीलिंग टाइम हमें कुछ मेडिसिन चाहिए थोड़ा सा आराम चाहिए थोड़ी नींद चाहिए जब फिजिकली हमें इन सब चीजों की जरूरत है तो हीलिंग्स के बाद आपके सोल को भी इस चीज़ की ज़रूरत है सो डेफिनेटली एंटिटीज़ भी होती हैं स्पिरिट्स होती हैं उनकी हीलिंग्स भी होती हैं और वी कैन एक्चुअली गेट रिड ऑफ देम अगर किसी को इतना सा भी शक है तो उनको डेफिनेटली अपने आकाशिक रिकॉर्ड से चेक करना चाहिए कि क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है।